Good morning, class. Now, in our previous video, we were solved our activity number 4. Okay. Now, today we will solve our activity number 5. Firstly, you write date 24 August 21, then CW, then start your work. Okay. You have given, solve each problem and complete the cross number with the help of hints given. बिलो आपको नीचे हिंट दिया गया है इस हिंट में आपको पहले टेबल को रीड करके इनके आंसर्स को फिल करना है उसके बाद इन आंसर्स को यहाँ पे आपको जो ये दिया गया है बॉक्स इस बॉक्स में इसको फिल करना है ओके नाउ इन हिंट यू हैव गिवन एक्रॉस एक्रॉस मीन्स यू राइट योर आंसर इन हॉरिजेंटल फॉर्म ओके एंड डाउन मीन्स यू राइट योर आंसर इन डाउन फॉर्म दैट मीन्स वर्टिकल फॉर्म ओके

25 like this with the help of pencil not pen okay now in e you have given 9 six 54 where, where is e here here is e so right here 5 4 54 like this okay and then you have given g 6 ja 6, 36 now firstly you fill here 36 now right here uh, here you have given g 3 6 30. Six, okay now in h part you have given 86 ja firstly you write 48 then write in h across form uh, 48 Four, eight 48 like this okay now in i you have given 98 ja 98 ja what 98 ja 72 firstly write here 72 then fill here in i part 72 70 like this okay now in k you have given 7 7 ja 7 7 ja what 7 7 ja 49 now in k part where is k here okay now in k part 7 7 ja 49 means 4 9 49 feel like this okay now next you have given m 5 7 35 now where is m here is m okay नाव फाइव सेवन जा थर्टी फाइव मीन्स थ्री फाइव थर्टी फाइव ओके नाओ एन पार्ट यू हैव गिवन थ्री जीरो ज़ीरो नाव एयर इज एन हीयर इज एन नाओ फील हियर ज़ीरो ओनली ज़ीरो ओके नाओ योर एक पार्ट इज़ कंप्लीटेड यह आपका एकस पार्ट जो है वो कम्प्लीट हो गया है ना इन डाउन फॉर्म यू हैव गिवेन ए

फाइव इज ऑलरेडी फिल ओके ऑलरेडी आपका ही फिल किया गया है भर चुके हैं पहले ही आंसर के अकॉर्डिंग ना वन फाइव फिफ्टीन ओके नाव इन सी पार्ट यू हैव गिवेन एट एट जा ना एट एट जा वॉट एट एट जा सिक्सटी फोर नाउ फर्स्टली यू फल फिल हीयर सिक्सटी फोर एंड इन सी पार्ट वेयर इज सी ही सी यू फोर सिक्स फिल सिक्स फोर सिक्सटी फोर ओके ना दिस इज़ योर आंसर Now in E part you have given 7, 8, ja. 7, 8, ja was what? Firstly you read the table of 7. 7, 8, ja 56. Now fill here 56. Okay. Now in E part where is E? Where is E? Here is E. नाव ही यू हैव ऑलरेडी गिवन फाइव सिक्स फिफ्टी सिक्स दैट मीन्स योर आंसर इज़ करेक्ट ये पहले से ही फिल है जो चीज़ पहले से फिल रहेगी उसको दोबारा फिल नहीं करना है ओके नाओ पार्ट इज डन नाओ इन एफ पार्ट यू हैव गिवन टू नाइन जा टू नाइन जा वॉट रीड द टेबल ऑफ टू टू नाइन जा एटीन नाओ फर्स्टली फील हीयर वन एट एटीन एंड वेयर इज एफ हीयर इज एफ ओके नाओ फिलयर वन एट इज ऑलरेडी गिवेन ये पहले से दिया हुआ है वन एट एटीन ओके नाव इन नेक्स्ट यू हैव गिवन जी एट फोर जा ना फर्स्टली रीड द टेबल ऑफ एट फोर जा एट फोर जा वॉट एट फोर जा थर्टी टू ना फिल हियर थर्टी टू एंड इन जी यू हैव ऑलरेडी गिवन ये पहले से दिया हुआ है थ्री टू फोर्टी टू फ्रॉम अक्रॉस पार्ट एकरस पार्ट से ये आपको पहले से दे दिया गया है मतलब हम लोगों ने इसको पहले से फिल करके रखा है तो फिल नहीं करना है ओके नाओ आफ्टर जी यू हैव गिवन एच टेन फोर जा टेन फोर जा वो टेन फोर जा फोर जीरो फोर्टी नाव वेयर इज एच हियर इज़ एच ओके नाओ यू हैव गिवेन फोर नाव राइट हीयर जीरो दैट मीन्स फोर जीरो फोर्टी ओके नाव इन जे पार्ट यू हैव गिवेन फ़ाइव नाइन जहाँ फर्स्टली रीड द टेबल ऑफ फाइव नाइन जहाँ फोर्टी फाइव ना फिलयर फोर फ़ाइव फोर्टी फाइव एंड इन जे पार्ट हियर यू राइट फोर फाइव इज़ ऑलरेडी डन सो फोर फ़ाइव फोर्टी फाइव ये पहले से हो चुका है इसलिए फोर सिर्फ राइट करना है नाउ योर आंसर इज़ फोर फाइव फोर्टी फाइव इन जे पार्ट ओके जे पार्ट में यही आंसर है ना इन एल दैट मीन्स लास्ट यू हैव गिवेन नाइन मल्टीप्लाई टेन नाउ नाइन टेन जा वर्ट नाइन टेन जा नाइंटी नाउ इन एल हियर यू हैव ऑलरेडी गिवन नाइन जीरो नाइंटी ओके नाउ योर टेबल इज कम्प्लीटेड ये टेबल आपका जो है पूरा कम्प्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू योर अक्रॉस एंड डाउन पार्ट्स ऑफ हिंट जो आपको हिंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका ये टेबल फिल हो गया ओके नाउ इन नेक्स्ट इन एक्टिविटी नंबर सेवन यू हैव गिवेन वर्ड प्रॉब्लम्स ओके ना फर्स्टली यू राइट ही डेट ट्वेंटी फोर ऑगस्ट ट्वेंटी वन देन राइट सी डब्ल्यू लाइक दिस एंड स्टार्ट योर वर्क ना इन फर्स्ट नंबर यू हैव गि अ टेबल हैज़ फोर लैक्स एक टेबल के पास कितने लैक्स होते हैं फोर लैक्स होते हैं आप लोग जानते भी हैं दिया भी है हाउ मैनी लैक्स विल बी देयर इन एट सस् टेबल अगर उसी तरीके के एट टेबल हों तो कितने लैक्स होंगे उनके पैर होंगे ये बताना है नो इन सोल्यूशन फर्स्टली यू राइट सॉल्व लाइक दिस एंड राइट नंबर एट फोर ओके एट फोर जा एट फोर जा और फोर एट जा वॉट फोर वन ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व फोर फोर ज़ा सिक्सटीन फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी फोर सिक्स ज़ा ट्वेंटी फोर फोर सेवन ज़ा 28, 4 8's are 32, okay, now write here 3, 2, 32, right, 2 is in 1's place and 3 is in 10's place like this, now in answer you write total number of legs is 3, 2, 32, okay, now this is your answer. इन सेकेंड नंबर यू हैव गिवन अ गार्लेंड हैज़ एट कलर्ड बीट्स गार्लैंड दिए गए हैं उनमें एट कलर्स के बीड्स हैं यानी कि मोतियाँ हैं हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन फाइव सच गार्लैंड अगर उसी तरीके के पाँच और गार्लेंड्स हो जाएं तो उनमें कितनी मोतियाँ होंगी ये बतानी है ओके नाउ इन सोल्यूशन फर्स्टली यू राइट सॉल्व लाइक दिस एंड एट यू हैव फाइव में कितनी होंगी नाउ फर्स्टली यू राइट फाइव एट जा वन में अगर एट बीट्स हैं तो फाइव में फाइव मल्टीप्लाइड बाई एट हो जाएगा ओके एट फाइव जा फोर्टी फोर जीरो फोर्टी ओके नाउ राइट हीयर फोर जीरो फोर्टी ना इन आंसर यू हैव गिवन टोटल नंबर ऑफ बीट्स कुल मोतियों की कितनी है कितनी हैं फोर्टी हैं ओके नाउ दिस इज योर आंसर इन थर्ड पार्ट यू हैव गिवेन अंटेन्स नाइन लड्डूस एक जार में टोटल नाइन लड्डू हैं हाउ मेनी लड्डूज आर देयर इन सेवन सच जार अगर उसी तरीके के सेवन जार हों तो उनमें कुल कितने लड्डू आएंगे ये बताना है ओके नाउ इन सोल्यूशन यू राइट ओके सेवन जार्स में बताना है इसलिए सेवन मल्टीप्लाइड बाय हर एक जार में कितने लड्डू हैं नाइन सो राइट हियर नाइन ओके लाइक दिस सेवन मल्टीप्लाइड बाई नाइन नाव नाइन सेवन जाओ और सेवन नाइन जा आप कुछ भी पढ़ सकते हैं सेवन नाइन जाओ और नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री ओके नाउ राइट हियर सिक्स थ्री सिक्सटी थ्री ओके लाइक दिस नाउ इन आंसर यू हैव गिवन टोटल नंबर ऑफ लड्डूज़ इज़ कुल लड्डुओं की संख्या कितनी है सिक्स थ्री सिक्सटी थ्री थ्री नाउ इन ले इन लास्ट यू हैव गिवेन फोर्थ नंबर आई हैव सिक्स फ्लास इन एंड ईच फ्लॉर हैज थ्री पेटल्स मेरे पास सिक्स फ्लास हैं और हर एक फ्लावर्स में थ्री पेटल्स हैं दैट मीन्स उनकी पत्तियाँ हैं ऐसी ठीक है ये फूल की जो पत्ती होती है लीफ नहीं फूल के जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो दिया हुआ है वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ पेटल्स कितने कुल पेटल्स हैं ये बताना है तो Uh, कितने फ्लास हैं सिक्स फ्लास हैं ओके okay? तो हर एक में अगर थ्री हैं तो सिक्स में कितने हो जाएंगे सिक्स मल्टीप्लाइड बाई थ्री लाइक दिस नाउ रीड द टेबल ऑफ थ्री सिक्स जा थ्री वन ज़ा थ्री थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री सिक्स ज़ा एटीन ओके नाओ राइट हीयर वन एट एटीन लाइक दिस नाओ दिस इज़ योर आंसर एंड फर्स्टली यो राइट हियर Solution S O L dot. Okay. Now, in answer, you have given there are dash petals. How many petals? 18. Okay. So, write here 18. 18 is your answer. Is it clear? Now, firstly, student, you solve your activity number 5. Firstly, you write date, classwork, then start your work with the help of pencil. Writing should be neat and clean. Okay. आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए आपको प्रॉपर वे में इसको लिखा होना चाहिए पहले डेट राइट करेंगे क्लास वर्क फिर स्टार्ट करेंगे नाउ इन एक्टिविटी नंबर सेवन यू फर्स्टली राइट डेट सी डब्ल्यू दैन स्टार्ट योर रीडिंग वर्क आप अपना रीडिंग वर्क करेंगे एंड इन सोल्यूशन फर्स्टली यू राइट सॉल्व देन राइट योर नंबर इन वर्टिकल फॉर्म लाइक दिस देन मल्टीप्लाई योर नंबर एंड फाइंड देअर प्रोडक्ट ओके एंड योर प्रोडक्ट इज़ योर आंसर आप क्या करेंगे पहले नंबर्स को वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करेंगे वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करने के बाद में जो आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा वही आपका आंसर होगा उसको आपको यहाँ डैस में फिल करना है ओके नाउ इन नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वी सॉल्व आर एक्टिविटी नंबर एट एंड नेक्स्ट एक्टिविटीज एक्टिविटी नंबर नाइन ओके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिविटी नंबर एट और एक्टिविटी नंबर नाइन सॉल्व करेंगे नाउ आई विल सेंड यू पीडीएफ इन योर स्टडी मटेरियल मैप के स्टडी मटेरियल में आपका पी सेंड करूँगी यू गो इन योर स्टडी मटेरियल एंड कम्प्लीट योर वर्क ओके आप अपने स्टडी मटेरियल में जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद में आप अपना वर्क बुक वर्क या कॉपी वर्क जो भी रहेगा उसको आप कम्प्लीट करेंगे ओके थैंक यू